मैंने बोला था ना कि मुझे जमीन दे दो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तुम लोगों को बहुत चर्बी चढ़ गई है। मैं वादा कर चुका हूँ कि इस जमीन पर एक फैक्ट्री खड़ी होगी और हमारे खानदान का किया हुआ वादा कभी टलता नहीं है। 10 दिन का वक्त दे रहा हूँ, त्योहार खत्म होने के बाद जमीन देकर पैसा ले जाओ। मगर हमारी जमीन नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। भगवान के सामने तू ऊंची आवाज में बात कर सकता है, लेकिन मेरे दादा के सामने कभी नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान तुझे माफ कर सकता है लेकिन मैं नहीं करूंगा। बेटा छोड़ दे। अरे डरा क्यों रहा है यार, कोई तो दरवाजा खोलो। अरे क्यों मार रहा है यार, बोलता हूं ना तू ही जीतेगा। अरे मम्मी बचाओ। आजा। अरे बच्चे की जान लेकर क्या। भैया भैया उठो ना भैया, प्लीज भैया उठो ना, उस भगवान को हमारे गांव वाले उठाए, ऐसा चाहती हूँ। बजाओ रे नगाड़ा। स्वामी का मंदिर। स्टॉप। वाह, ये क्या, यहाँ कोई नया खेल शुरू होने वाला है क्या? ये भी एक नया खेल है। गेम के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी होती तो मैं भी तैयार हो जाता ना, अब तो मैं एकदम फॉर्म में हूँ, सामने वाले को सीधा गिरा दूंगा। ये तो केले का पत्ता ले जा रहा है, शायद बाजू में शादी का प्रोग्राम चल रहा होगा। मंगनी है सर। क्या कहा, मंगनी? किसकी मंगनी है, आपकी? तो आपकी आपकी आपकी। ओए, अरे ये क्या बोल रहे हो यार, किससे पूछ कर रखी है ये मंगनी? अरे पागल हो गए हो क्या, सब मिलकर मुझे सूली पर चढ़ाना चाहते हो? मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम लोग कुछ ना कुछ तो मिस्टेक करने वाले हो। नया कपड़ा पहना दिया और त्योहार है, रिवाज है, ऐसा बोलकर बिल्टअप दे रहे हो क्या? सर, मालिक की मंगनी हमारे लिए त्योहार है सर। त्योहार है, तुम लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं है, पहले उस लड़की को ढूंढना होगा। अच्छा, सच में बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू, मैं बाद में मिलती हूँ, बाय। अरे ओए, तुम भी मुझ पर क्या अन्याय ढा रही हो, ताजमहल बनाने वाले के हाथ काटने जैसा लग रहा है। तुम्हारे प्यार की हेल्प करने के लिए आया था मैं, देखा जाए तो अपनी मंगनी का नाम सुनते ही मुझे अभी नहीं करनी, जिद करके दरवाजा बंद करके कुंडी लगाकर रो रो कर बेहाल होने की बजाय उल्टा इस तरह श्रृंगार करके मेरे सामने खड़ी हो। ओहो, लड़का तो बुद्धू है, लगता है बलि का बकरा बन गया है। तुम तो मुझे फंसाना चाहती हो ना, लेकिन मेरे तैयार होने का कोई सीन नहीं है, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी का मैं क्यों ओनर बन जाऊँ? मैं तो ऑलरेडी एंगेज हो चुका हूँ, ये रहा एंगेजमेंट रिंग, अगर चाहो तो। ये सारे सवाल मुझे तुमसे पूछने हैं।
हाँ, ये बताओ तुम्हारी पहले ही एंगेजमेंट हो चुकी है तो ऐसा ड्रेस पहनकर फिर से एंगेजमेंट करने आए हो? आखिर तुमने समझ क्या रखा है? ये मर्द लोग चाहे जितने एंगेजमेंट कर लेते हैं। क्या मैंने आपसे कहा था उस प्रतियोगिता में जीतने के लिए? आप मेरी हेल्प करने नहीं, मुझे परेशान करने के लिए आए हैं। सच कहा ना मैंने, अब मैं सुसाइड कर लूंगी। रुको, ए, अरे तुम भी कमाल करती हो, हर बात पर सुसाइड कर लूंगी ऐसा बोलती रहती हो। अरे मुझे भी तो रोना आता है ना, लेकिन आंसू नहीं आ रहे हैं। पता नहीं तुमको कहाँ से आ जाते हैं, पानी को कहाँ कहाँ छुपा कर रखती हो, टप टप करके गिराती रहती हो। जरा अपने आप को संभालो। चलो जो हुआ वो जाने दो, लगता है तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं है, मैं दादाजी से जाके बात करता हूँ। कमाल है, बात बात पे रोने लग जाती है। इस साल कार्तिक दीपोत्सव बहुत धूमधाम से मनाना है। अगर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। अरे उनसे क्या बात करनी है? अरे कमाल है, हमसे पूछे बिना एंगेजमेंट रखेंगे तो मैं कर लूंगा क्या? कैसे नहीं करोगे, मैं शादी के लिए मान गया, यही बड़ी बात है। अब क्या सब कुछ हम तुमसे पूछ क्या के करेंगे? जमाई बाबू कुछ नहीं ससुर जी, इसके नाक पे एक मक्खी बैठी हुई थी, बस वही उड़ाने के लिए मैं कह रहा था, कुछ नहीं। नहीं सर, झूठ बोल रहा है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं सर, पूछे बिना मंगनी इसलिए मैंने। बेटा आज का दिन बहुत अच्छा है, मुहूर्त अच्छा है, ऐसा पंडित जी ने हमें बताया। सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जाओ जाओ जाओ। सर लेकिन ओके, देखो अगर अभी मैं गुस्सा हो जाऊंगा ना तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, अब तक जो भी किया ना वो सब व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए अभी अंगूठी बदल दी तो शादी तो नहीं हो जाएगी ना, इसलिए तुम भी दिल में कुछ मत रखो और मैं भी दिल में कुछ नहीं रखूंगा, सिनेमा स्टाइल में रिंग एक्सचेंज कर देंगे। हाँ? जाते वक्त मैं दे दूंगा, वो आएगा तो उसे दे देना। आज के जमाने में तो रीति रिवाज से होने वाली शादी भी टूट जाती है, तो सिर्फ एक रिंग की वजह से एंगेजमेंट नहीं हो सकती है ना, जब दिल से दिल मिलते हैं तो रियल एंगेजमेंट होती है। खुशी में बेटा, ये इस मंदिर का पुराना रीति रिवाज है, इस नंदी के बीच से स्वामी का दर्शन किया तो जिंदगी भर खुश रहोगे, ऐसे इस मंदिर की बरसों से मान्यता है। अगर ये सब मेरी लवर को पता चल गया तो पता नहीं वो कितनी नाराज हो जाएगी। तुझे भी वही चाहिए? हाँ, मैं क्या करूँ, तुम जो भी चाहती हो वो मुझे भी सूट करता है। हाँ, कंग्रेट्स।